मेरे को लग रहा था कि यार यस इतने ज्यादा तो ब्रूटल नहीं हो सकते कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इज अ कार्तिक आर्यन सेल्फ मेड बंदा है, लेकिन भाई यस भी सेल्फ मेड बंदे हैं और सही में लगा दी यस ने। देखिए यस का बहुत सही भी कहना है इस बात का लेकर कि देखिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। देखिए आपने अलवाकनपुरम अल्लू का रिमेक बनाया, नो इश्यूज भाई, अल्लू अर्जुन के खुद पापा इसके प्रोड्यूसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने दर्शकों के पैसों की वैल्यू दे सकें। देखिए आपने कहानी बनाई थी लेकिन थोड़े सीन आपको अलग करने थे ताकि ऑडियंस को कुछ अलग मिलता, बट आपने ये मूवी डिट्टो कॉपी कर ली है, एक भी जगह नहीं छोड़ी ऐसी जहां पर आपने कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, एंड दैट्स व्हाई बॉलीवुड इज गोइंग डाउन। देखिए अगर आपने अलवाकनपुरम अल्लू देख रखी है और उसके साथ आपने शहजादा का ट्रेलर देखा है तो रियलिटी आपको पता चल जाएगी। देखिए कार्तिक आर्यन कुछ बुरा नहीं कर रहे, ऑल द थिंग्स आर गुड, एक्टिंग तगड़ी है, एक्शन भी भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी लेकिन कर दिया, लेकिन एक स्वैग की कमी है, वो ना अल्लू अर्जुन का चार्म मिसिंग है कैरेक्टर के अंदर से। और भाई ये मूवी अगर सिर्फ कार्तिक आर्यन ही लेके आते बिगिनिंग से तो और भी धमाकेदार नजर आती, लेकिन पहले हमने अल्लू अर्जुन को देख लिया ना तो ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। बाकी जनता आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।